भंडारपुरी गुरुद्वारा परिसर निर्माण के लिए विष्णुदेव शाह सरकार ने 17 करोड़ राशि की घोषणा किए हैं, जिससे वास्तविक रूप में सतनाम धर्म के प्रमुख केंद्र भंडारपुर धाम का विकास हो पाएगा। गुरु खुशवंत साहिब जी, आप सतनाम धर्म संस्कृति को गहराई से जानते हैं एवं समझते हैं और इस जिम्मेदारी को बेखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक अनुरोध है और हो सकता है कि आप इस विषय में सोच भी रहे होंगे, वर्तमान में जो गुरुद्वारा भंडारपुर धाम में बनेगा उसे हूबहू पुराने गुरुद्वारा मोती महल के जैसे ही बनवाइएगा। इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे आप हमसे हजारों गुना जानते हैं और समझते हैं। गुरु खुशवंत साहिब जी, हमने आपसे ही सुने हैं भंडारपुर धाम में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी एवं राजा गुरु बालक दास जी ने एक गुरुद्वारा बनवाए थे जिसे मोती महल के नाम से जाना जाता है। जिस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जहाँ भी पूजा प्रार्थना के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च आदि ये सब बनवाते हैं तो उनमें एक रूपता रहता है जिसे देखते ही कोई भी व्यक्ति समझ जाता है कि अमुक धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल है। उसी तरह अब सतनामी समाज को भी एक रूपता दिखाते हुए सतनाम गुरुद्वारा बनवाना चाहिए। जैत खाम तो है ही हमारे धर्म के प्रतीक स्वरूप, लेकिन गुरुद्वारा का डिजाइन भी अगर गुरुजनों ने जैसा बनवाए थे वैसा ही रहे तो बहुत ही बेहतरीन संदेश जाएगा। नोट, सतनामी समाज की जानकारी के लिए गुरु घासीदास बाबा जी राजा गुरु बालक दास साहिब जी द्वारा बनवाए गए सतनाम गुरुद्वारा मोती महल का ओरिजिनल फोटो, जिस फोटो को हम गुरु परिवार से ही प्राप्त किए हैं। साहिब गुरु सतनाम। अगर आपको ये विचार कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।